फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ न्यूट्री और आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने ये कुकर में आलू उबालने के लिए डाल दिया है और ये पतीले में हम पानी गर्म कर लिए हैं और उसमें हम न्यूट्री डाल के 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि वो पानी से हमारा न्यूट्री जो फूल जाए। और उसके बाद ठंडी होने के बाद हम निचोड़ के न्यूट्री को अच्छे से निकाल लेंगे। न्यूट्रीज को निकालने के बाद अच्छे से निचोड़ के हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम करके उसमें न्यूट्री को डाल के बिल्कुल ग्राउंड करके भून लेंगे। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हम तेल डालेंगे क्योंकि न्यूट्री हमारी तेल सोखती है। और इसको बिल्कुल ग्राउंड करके भून लेंगे। और इसके लिए मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे हम। और ये फ़ौरन के लिए मैंने तेज पत्ता, गरम मसाला, मिर्ची और जीरा डाल के रखा है। अब हम न्यूट्री को देखिए कि इस तरह से हमारी न्यूट्री भून के बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह से भून लेनी है। और ये है हमारी लहसुन और अदरक की पेस्ट। इसमें हम मिर्ची पाउडर मिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच, और इसमें अब हम धनिया पाउडर डालेंगे। और गरम मसाला होगा आपके पास तो इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। हमारी नमक अपने स्वाद अनुसार आप डालिएगा। और इस तरह से बनेगी हमारी आलू न्यूट्री की सब्ज़ी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और उसमें हम गरम मसाला का जो फ़ौरन निकाले थे वो फ़ौरन डाल के मैंने प्याज डाल दिया है। अब इस प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन करके भून लेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। ये हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ और साथ ही मसाले के हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर हमारा गलना चाहिए। गलेगा टमाटर तब इसमें टेस्ट आएगा, और टमाटर ऐसे ही रह जाएगा तो फिर कोई टेस्ट नहीं आएगा इसमें। और इसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल इसमें से निकलना ना स्टार्ट हो जाए, अच्छे से भून ना जाए। तो प्लीज़ देखिए आगे क्या होता है। हमारी मसाले भुन के रेडी हो गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दी हूँ मैं ताकि इसमें कलर पकड़ ले। और हम 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे और आलू डाल के हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और हम उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमें इस चावल रोटी सबके साथ खा लेनी चाहिए, इसलिए मैं इसे पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि हमारी न्यूट्री जो है ये भी पानी एब्जॉर्ब करेगी। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारी सब्ज़ी कैसी बन के रेडी होती है। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आए बिल्कुल। मैं इजी से इजी तरीके से आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ सब्ज़ियों, ताकि जिसमें ज़्यादा मतलब कुछ यूज भी ना हो और आप बना भी सकें। हैवी आइटम तो हर कोई बना लेता है पर इजी आइटम हर किसी से नहीं बनता।